वेलकम बैक। आज हम मैथ्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे। एज वी ऑल नो दैट स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स एक बहुत बड़ा राक्षस होता है। बच्चे मैथ्स के नाम से डर जाते हैं कि मैथ्स वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट मेरे हिसाब से मैथ्स से ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट कोई नहीं। तो आइए हम इसको ईजी सब्जेक्ट में कन्वर्ट करें उन बच्चों के लिए जो इसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप में लेते हैं। आपको आज मैं मैथ्स 9th क्लास का स्टार्ट करवाने जा रही हूँ विद चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नाम से भी इंट्रोड्यूस हो रहा है नंबर सिस्टम। नंबर्स मींस 1, 2, 3, 4 नंबर्स का सिस्टम। दी सिस्टम ऑफ नंबर्स, हाउ वी मैनेज, हाउ वी शो दी नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम नंबर्स को कैसे शो करते हैं। देखिए मिड में हमेशा हमारा शून्य आता है, जीरो, ठीक है। राइट हैंड साइड पे जितने नंबर शो होते हैं इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स जो राइट हैंड साइड पे होते हैं इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड दी नंबर दोज आर कमिंग इन लेफ्ट हैंड साइड, जो सारे लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं इन्हें हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, ये ही हमारा नंबर लाइन का सिस्टम है। मिड में आता है जीरो, राइट हैंड पे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये होती है हमारी नंबर लाइन। मैं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रही हूँ, वो होता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होता क्या है, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो टर्म पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5/3, इज दिस अ रैशनल नंबर? यस, बिकॉज देयर इज न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। इज 11/5 रैशनल नंबर? यस। डू यू नो व्हाई? बिकॉज देयर इज न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। हाउएवर इट इज इन नेगेटिव टर्म, भले ही ये नेगेटिव टर्म में है बट इट विल कम इन अ कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर। फिर भी ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिसमें p अपॉन q की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लिखूं 101, क्या ये रैशनल नंबर है? 101 यस है। बच्चे बहुत बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं, बट फिर भी ये रैशनल नंबर कैसे है? बेटा जी हमेशा डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर ना हो तो वहां हमेशा 1 अवेलेबल होता ही होता है। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ये भी रैशनल नंबर है। बिकॉज न्यूमिनेटर इज 101 एंड डिनोमिनेटर इज 1, सो इट विल कम इन अ कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर। चलिए अभी तक मैंने आपको ये टॉपिक्स तो क्लियर करवाए हैं, आज मैं आपको दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ, जरा वेट कीजिए। देखिए आपसे पूछा जाता है इज जीरो अ रैशनल नंबर, क्या जीरो रैशनल नंबर है? क्या बोलेंगे आप, जीरो रैशनल नंबर है? देखिए बेटा जी हमारा सबसे पहला रूल है राइट जीरो एज इट इज, राइट हेयर डिनोमिनेटर इज 1 लगा दीजिए नीचे, हमेशा ऑलवेज 1, एंड मल्टीप्लाई द बोथ ऑफ डिजिट बाय 10। 0 टेन्स आ 0, 1 टेन्स आ 10, आगे उसी कैटेगरी में p अपॉन q की फॉर्म में आ गया। न्यूमिनेटर इज 0 एंड डिनोमिनेटर इज 10, इट इज इन द कैटेगरी ऑफ p अपॉन q फॉर्म, सो यस इट इज रैशनल नंबर। कितना ज्यादा इजी है, जीरो रैशनल नंबर है। हमने क्या किया, जीरो लिखा, अपॉन में 1 लगाया, मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे 10 × 10, 0 10 जा 0, 10 1 जा 10, आ गया p अपॉन q की फॉर्म में, यस इट इज अ रैशनल नंबर। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेंगे, बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक को लेके। देखिए आपसे बोला है राइट दी रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर लिखिए। 3 और 4 के बीच में तो नंबर ही नहीं होते। बच्चे बोलेंगे मैम इसके बीच में तो नंबर ही नहीं है, कहां से लिखे नंबर? इसके बीच में हजारों करोड़ों नंबर हैं, पर वो कैसे निकालने हैं, प्रोसीजर
यहां भी कीजिए 100 और यहां भी कीजिए 100। अगर आप 100 से कर रहे हैं तो चारों को 100 से करो, अगर आप 20 से कर रहे हैं तो चारों को 20 से करो। 300 जा 300, 100 बन जा 100, 400 जा 400 एंड 100 बन जा 100। देखिए 300 और 400 के बीच में कितने सारे नंबर हैं, 99। अगर आप चाहें तो 1000 से भी कर सकते हैं, बट 1000 से चारों को करना है। तो आप अब इनके बीच में रैशनल नंबर लिखते हैं, रैशनल नंबर बताइए इनके बीच में कौन कौन से हैं। 301 अपॉन 100, 302 अपॉन 100, 100 ही आएगा नीचे, 100 ही आएगा। 303 अपॉन 100, 304 अपॉन 100, 305 अपॉन 100, 306 अपॉन 100। ओके, देखा कितना इजी है ये। तो किसी भी टर्म के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर निकालने हैं, सो इट्स वेरी इजी टास्क। कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले हमने उस नंबर को लिखा दोनों तरफ, उनके नीचे वन लगाया। वन लगाने से हम लोग उसकी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी टर्म से। अगर आपने 20 लेना है तो चारों तरफ 20 ही करो मल्टीप्लाई, बिकॉज डिनोमिनेटर शुड बी सेम, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, अब उसके बीच में कितने भी नंबर लिख सकते हैं हम। समझ में आ रहा है आपको? तो आज का मेरा टॉपिक जो था वो था रैशनल नंबर और नंबर लाइन। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया है, आई होप मेरे स्टूडेंट्स को और मेरे व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम तो मुझे अपने सुझाव भी भेज सकते हैं बाय कमेंटिंग, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।